कितना मुश्किल होता है पीयूष जी, अगर मतलब आप छोटे शहर से निकल रहे हैं, आपको शोहरत मिलती है, ख्याति मिलती है, तो वो चीज जो कहते ना, अरे उसके तो दिमाग में आ गया, दिमाग में चढ़ गया, हाँ। कितना मुश्किल होता है मैं को हावी न होने देना? ये पुराने, ये हमारे साथ कम होता है एक्चुअली, हम तो नॉर्मल बने रहते हैं, हम नॉर्मल बनने की कोशिश तो करते हैं एक्चुअली। पुराने वक्त के साथियों के साथ ज्यादा होता है कि उनको संभालना कि तुम बदल गए। अरे बदले नहीं बाबा, हम घाट घाट का पानी पी चुके, यहाँ वहां दौड़ चुके, 50 किस्म के एक्सपीरियंसेस ले चुके, 50 किस्म के तजुर्बे ले चुके, और तुम्हें लग रहा है कि हमें इतना भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, तुम्हारे साथ बैठ लिया, अब एक घंटा पुरानी बातें कर ली, डिस्कस कर लिया कि ऐसा करते थे वैसा करते थे, इसके बाद में कुछ तो परिवर्तन हमें होगा ना, तो उसको महसूस करो। तो मैं वो करता हूँ, जितना लोग वक्त समझते हैं बढ़िया बात है, नहीं समझते तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, भागो, हु केयर्स, हमें अपनी जिंदगी जीनी और अपने अपने तजुर्बे, अपने 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 तजुर्बों के साथ में, अपने अपने अनुभवों के साथ में हर बंदा चलता है, और उसको चलने देना चाहिए, ऐसी किसी की जिंदगी के अंदर झांकना नहीं चाहिए। अगर आप अटके रह गए एक जगह पर, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अटके रह जाए। हमने तो, मैं तो कह सकता हूँ कि मैं तो बहुत 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 लंबा चौड़ा ग्राफ बिल्कुल ऐसा गया, मेरा ऊपर ग्राफ गया, और बहुत तगड़ी जिंदगी जी है मैंने। मुझे तो ये 57 साल जो है, मतलब मुझे बहुत बेशकीमती लगते हैं कि बहुत तगड़े तजुर्बातों के साथ में, बहुत तगड़े अनुभवों के साथ में मैंने ये जिंदगी बिताई है। तो मैं तो इनकी कीमत समझता हूँ, तो मैं इनको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, दे आर वेरी प्रेशियस टू मी। तो बुरा मानते हैं कई बार, बुरा मानते हैं, ऐसी बात नहीं, काफी बुरा मानते हैं। आपकी सोच में, आपके शब्दों में थोड़ा सा, मतलब जैसे अगर हम कहें कि आप इश्क भी लिखते हैं तो थोड़ा दर्द छलक जाता है उसमें, अगर आप गुस्सा लिखते हैं तो उसमें एक पीड़ा नजर आती है, तो आप जो लिखते हैं कई दफा तो वो आपकी सोच उस समय इसीलिए नहीं रहेगी क्योंकि वो जरूरत है उस समय जो लिखना है, कितना हद तक आप रहते हैं उसमें? अगर आप कहते हैं, अगर ये लिखा हुआ है कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो, तो ये आपकी सोच कितनी है और उस चीज की जरूरत कितनी है उस समय? उस वक्त तो वही है, उस वक्त तो वही सोच है, जो जब मैं लिखता हूँ तो उस वक्त जो शब्द होते हैं वो पूरी तरीके से मेरी सोच में ढले रहते हैं। जब लिखता हूँ मैं, जब लिखता हूँ उस वेरी मोमेंट जो है, जब मैं लिखता हूँ तो वो शब्द जो है बिल्कुल जो मेरी सोच चल रही होती है उस वक्त, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो, ये उस वक्त मैं ऐसे ही सोच रहा था, ऐसे ही सोच रहा था। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, उस वक्त मैं ऐसे सोच रहा था, उसमें नकली नहीं था, उस वक्त नकली नहीं था, उस वक्त आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ। मैं बहुत ही सख्ती से अपने अंतर का पालन कर रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ, अदरवाइज वो वर्ड्स नहीं आ पाते मुझसे, मैं बना बना कर नहीं लिख पाता, और मैं बहुत जल्दी लिख पाता हूँ। मतलब मेरे से ये गाने आरंभ है प्रेजेंट, मेरे से एक दो दिन में हो गया था कि दुनिया, अगर दो दिन में हो गया दुनिया, अच्छा। एक बगल में चांद होगा, एक दिन में हो गया था, घर मेरे से एक दिन में हो गया था, हुस्ना मुझसे एक दिन में हो गया था, मेरे सारे गाने हसियत एक या दो दिन लेते हैं, एक या दो दिन लिए हैं, अगर गानों के लिए मैं पहचान जाता हूँ तो एकदम से एब्रप्टली आते हैं, मैं शब्द सोच कर नहीं लिखता, तो एब्रप्टली आते हुए एकदम से आ जाते हैं, बस उसके लिए अपने आप को ढालना पड़ता है कि मैं उस मानसिकता में पहुंच जाऊं कि हुस्ना नाम की लड़की जो है रहती है लाहौर में, और मैं जो यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ उसके बारे में, एक बार की मैं सोचना शुरू कर दूं तो मेरा गाना हल निकल जाएगा, हल निकल जाएगा। आरंभ प्रचंड में सोच लूं कि हाँ ये आरंभ प्रचंड मस्तकों को झुंड, आज जंग की गली की तुम गुहार दो, ये रेवोल्यूशन मेरे दिमाग में आ गया एक बार की, तो वो गाना हल निकल जाएगा। उसके लिए मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर प्रचंड लगाऊंगा या आरंभ लगाऊंगा या मस्तक लगाऊंगा, वो सब चीजें जो है मेरे दिमाग में बड़ा आसानी से और बहुत जल्दी आ जाती, बहुत तेजी से आती, तो इसलिए जो है मुझे बहुत प्रॉपर मोटिव चाहिए आपकी। जी जी, प्रॉपर मोटिव चाहिए मुझे, इतनी स्पॉन्टेनियस लगती है, शायद वही चीजें हैं जो पंक्तियों में भी वही स्पॉन्टेनिटी निकल जाती है, उसके लिए दोबारा मुड़कर नहीं देखना पड़ता, एक ख्याल आ गया तो आ गया, आ गया तो हाँ, एग्जैक्टली आ गया तो आ गया, इतना अधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और स्पॉन्टेनिटी मुझे लगता है कि मेरी बुराई है तो खासियत भी यही है कि स्पॉन्टेनिटी जो मैं एक बार जो सामने से व्यक्त कर पाता हूँ, मैं वही व्यक्त कर पाता हूँ, पीछे सोचकर किसी के बारे में व्यक्त करना, किसी स्थिति के बारे में व्यक्त करना, किसी अनुभव के बारे में व्यक्त करना, ये मुझे खराब लगता है, और कई बार सामने वाले बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर जो है जो बुरा मानते हैं उनको मैं थोड़ा सा सोचने का मौका देता हूँ, और वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं कि यार उस वक्त बुरा लगा था लेकिन इस वक्त बुरा नहीं लग रहा, उस वक्त शायद तुम ठीक कह रहे, और अगर और भी बुरा मानते हैं, मानते चले जाते हैं, तो मतलब हु केयर्स, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता।